फ्रेंड्स, हम निकल पड़े हैं अपनी TVS रॉनिन को लेके। आज मैं आपको अपना राइडिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रॉनिन को लिए हुए मुझे 15-20 दिन हो चुके हैं। अभी मैं निकला हूँ एक छोटी सी राइड करने के लिए रॉनिन की। वैसे तो भाई एग्जॉस्ट वगैरह एकदम बेहतरीन आ रहा है। मैं अभी 50-60 पर ड्राइव कर रहा हूँ। जो फीलिंग आती है ना, वो रॉयल एनफील्ड वाली, वो फीलिंग आपको रॉनिन में आई थिंक तो मिल जाएगी। वो एग्जॉस्ट भी मिल जाएगा, वो टॉर्क पावर भी मिल जाएगा, वो जो इंजन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। ABS भी भाई तगड़े दिए है रॉनिन TVS ने। सो, वो जो फीलिंग की हम जब भी बात करते हैं ना, तो वो फीलिंग तो हमें रॉनिन में मिल रही है। शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आएगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो सबका क्वेश्चन रहता है कि रॉनिन कौन ले सकता है, तो भाई देखिए, जिसको भी डेली अप डाउन के लिए चाहिए वो भी रॉनिन का यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने निकाली है उसके हिसाब से तो ये 40 के आजू बाजू तो एवरेज अगर आप अच्छे से चलाते हो तो दे देगी। एटलीस्ट 35 से 40 तक की एवरेज तो आपको रहेगी ही रहेगी। अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हो तो 40 तक भी मिल जाएगी। अगर आप वीक में एक बार क्रूजिंग करना चाहते हैं या फिर कहीं पर भी लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन या कंफर्ट बाइक और कोई नहीं मिलेगी। जो फर्स्ट सर्विस कोस्ट रहा था, देखिए मेरे सामने से ही बुलेट जा रही है 350। लुक वाइज तो बुलेट टू बुलेट है, रॉनिन है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। हाँ, और दूसरी बात, मैंने जो आपको बताया कि अगर किसी को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो भी कंफर्ट के हिसाब से एक नंबर बाइक है। जो भी आपको चाहिए वो सब ये बाइक आपको प्रोवाइड करती है। और पहली सर्विस तो जो मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई है उसकी कॉस्ट मुझे 1,100 रुपये हुई है। उसमें 1.3 लीटर इंजन ऑयल आ गया है, वो फिल्टर आ गया, और चैन सेटर के उन्होंने अलग से मेरे पास 150 रुपीज़ लिए है। सो फर्स्ट सर्विस का जो मुझे कॉस्ट रहा है वो 1,100 रुपये का रहा है। और जो ये मेरा सेकंड वेरिएंट मुझे ऑन रोड 1,80,000 में मिली है। ये सेकंड वेरिएंट ड्यूअल टोन में आता है, और ज़्यादा कोई बेस मॉडल और ये मॉडल में ज़्यादा कोई ऐसे फीचर वाइज तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं। और ड्राइव भी मुझे बहुत ही स्मूथ लग रही है, एक्सीलरेशन अच्छा है। चलिए तो हम इसे थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे भगा के देखते हैं। हम इसे 100 के करीब भगाएंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी। हम बाइक को 100 के करीब चलाने की ट्राई कर रहे हैं। रास्ता खुला हुआ है, मैं ट्राई करूँगा 100 के करीब जाए गाड़ी। देखिए दोस्तों, टॉर्क पावर इतना है कि 100 के करीब पहुंचने में इसे ज़्यादा वर्क नहीं लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ट्रैफिक वाला रास्ता है तो मुझे संभाल कर चलानी पड़ रही है। एकदम जब हम हाईवे की राइड में जाएंगे तब आपको मैं चला के दिखाऊंगा। बाकी मुझे ये 60 से 80 तक तो बहुत ही बढ़िया लगी, फुल्ली कंफर्टेबल है। जैसे ही इंजन ऑयल चेंज करवाया है परफॉर्मेंस में भी थोड़ा फर्क आ चुका है। और मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर रॉनिन, इट्स बजट बाइक एंड यस, इट विल गिव यू दैट फील ऑफ ड्राइविंग अ क्रूजिंग एंड या मे बी बेटर देन हंटर। हंटर से तो डेफिनेटली बेटर एंड मे बी कंपेरेटिवली गुड देन रॉयल एनफील्ड 350। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।